दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि खेचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुखाबिल हो तब अखबार निकालो। जी हाँ दोस्तों, ये चंद पंक्तियां ही बहुत कुछ कह जाती हैं कलम की ताकत को, कलम की उस ताकत को जिसके लिए कहा जाता है कि इसमें तलवार से भी ज्यादा ताकत होती है। चाहे बात करें 1857 की क्रांति की, चाहे बात करें 1947 में भारत की आजादी की, हर जगह कलम ने अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। शायद इसीलिए कहते हैं कि कलम में ताकत तलवार से भी ज्यादा होती है। आज इसी कलम की ताकत के बारे में हम बात करेंगे, पत्रकारिता के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब आप और हम इस मंच पर मिलते हैं तो सबसे पहले आपसे रूबरू होना जरूरी है। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है सुप्रभात धरती धौरारी, और मैं हूं आप सभी के साथ आप ही की दोस्त प्रज्ञा। और मैं हूं आपके साथ प्रणय। मेरी ओर से भी आप सभी का स्वागत अभिनंदन सुप्रभात धरती धुरारी में। प्रज्ञा ने जो इतना कुछ कहा है अभी अभी इतने सारे शब्दों में, उसके बाद मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इन सारे सभी शब्दों से जो प्रज्ञा ने कहे हैं उनसे मेल खाते मेहमान आज हमारे स्टूडियो में हैं, तो क्यों ना उनसे मुलाकात की जाए। आइए मिलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक लक्ष्मण बोलिया साहब से। बहुत बहुत स्वागत लक्ष्मण बोलिया साहब आपका, बहुत बहुत अभिनंदन लक्ष्मण बोलिए साहब। आज आपसे बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, थोड़ा सा दुख का विषय है कि हमारे गोवा के माननीय मुख्यमंत्री साहब मनोहर पर्रिकर साहब हमारे बीच नहीं रहे हैं, और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। उन्होंने सेवा जिस तरह से देश की है वो काबिल तारीफ है। हम बहुत कम शब्दों में उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जी, मैं भी अपनी तरफ से स्वर्गीय पर्रिकर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और देश ने एक बहुत बड़ा नेता योग्य राजनीति की खो दिया है। बिल्कुल, ये एक अपूर्णीय क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हर इंसान की एक खूबी होती है और वो तमाम खूबियों से लबरेज थे। तो अब ईश्वर उन्हें अपने चरणों में अपने स्थान दे, इसी की बस बात, क्योंकि कहते हैं कि द शो मस्ट गो ऑन, चल आगे चलते रहना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत सारी बातें आपसे हम करेंगे। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में भी रहे हैं, आप जनसंपर्क के क्षेत्र में भी रहे हैं, दूरदर्शन से भी आपका बहुत लंबा जुड़ाव रहा है, आकाशवाणी से भी जुड़ाव रहा है, पुलिस महकमे में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे, लेकिन अगर शुरुआती दौर की हम बात करें, अगर हम बात करें बचपन की, क्योंकि बहुत खूबसूरत होता है ये बचपन और बहुत मासूमियत भरा होता है ये बचपन, तो अगर आपके बचपन की हम बात करें तो कहाँ जन्मे हैं, कहाँ पले बड़े? बिल्कुल सही, क्योंकि बचपन के बिना तो सारा जीवन की कोई कहानी बनती ही नहीं। मैं उदयपुर में जन्मा हूँ और मैं गुलाम भारत में मेरा जन्म हुआ। अच्छा। यानी कि जब आजादी मिली तब मैं 7-8 साल का था। अच्छा। और जिज्ञासा मेरे में बचपन से ही बहुत जबरदस्त थी, हर चीज को जानने की कोशिश करता था। जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो आपको एक बात बताऊं, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लोगों को भर्ती करने के लिए उस जमाने में सामंती व्यवस्था थी उस वक्त। बिल्कुल। तो उनको प्रेरित करने के लिए किस तरह के गाने दोहे गाए जाते थे जी। मेवाड़ी में मैं बोल रहा हूँ, भर्ती वेजा रे रंगरूट, भर्ती वेजा रे रंगरूट, अठे मिलेगा सूखा रोटा, वठे मिले बिस्कुट, भर्ती वेजा रे रंगरूट, अठे मिलेगा फाटा जूता, वठे मिलेगा बूट, भर्ती वेजा रे रंगरूट। यानी उस वक्त जो है ना, वो जमाना इस तरह का था, और एक आजादी की लहर देश में चल रही थी, तो मैं भी रोजाना इससे जुड़ा रहता था। कैसे, मेरे घर के पास एक कार्यक्रम चलता था, जनपद जी एक संस्था चलाती थी, उसमें रोजाना एक घंटा देश विदेश के जो समाचार होते थे वो माइक से अनाउंसमेंट करते थे जी, और काफी लोग जो है सड़क पे खड़े होकर के सुनते थे। हाँ हाँ। और एक बोर्ड पे उन समाचारों को लिखा भी जाता था, जो नहीं सुनते वो दिन में आकर के पढ़ते थे। अच्छा। मैं और एक लाइब्रेरी भी चलाते थे जिसमें अखबार होते थे, मैं नियमित रूप से वहां जाता और देश विदेश की खबरें पढ़ता, और मुझे मन में रहता कि ये सब खबरें कैसे आती है, क्या होता है। तभी से मुझे पत्रकारिता के बारे में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जी जी जी। मेरे बचपन में बड़ी समस्याएं थी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मेरे दादा और दादी का देहांत उस वक्त हो गया था जब वो अल्पायु में थे, और मेरे पिता दूसरों के सहारे बड़े हुए, परवरिश उनकी हुई,
और उसके बाद जब उनकी शादी हुई, हमारा हुआ तो जन्म हुआ, तो हम लोग भी बड़े कठिनाई से पढ़े थे। तो मैंने किसी तरह से आठवीं कक्षा पास की और आठवीं के बाद सहयोग से किस तरह से, और मैंने फिर मैट्रिक का इम्तिहान दिया। मैट्रिक का इम्तिहान देने के तुरंत बाद मैंने एक अखबार साप्ताहिक अखबार में प्रूफ रीडर के तौर पर मुझे 40 रुपये माहवार पे मैंने नौकरी छोड़ी। जी ये कौन से साल की बात थी? ये 58 की बात है। अच्छा, अच्छा, जी, अच्छा, अच्छा, जी पत्रकारिता की बहुत सारी बातें करेंगे हम आपसे। आपने उदयपुर का जिक्र किया है कि उदयपुर में आप जन्मे हैं और प्रणय झीलों की नगरी है, और जब वहाँ पिछोला झील के पास या फिर फतेह सागर झील की पाल पर हम बैठते हैं, ठंडी हवा के झोंके जब आते हैं, तो उन झोंकों की कैसी यादें हैं? बहुत यादें हैं। मैं हम लोग सुबह 4 बजे उठ करके फतेह सागर घूमने जाया करते थे। जी उन दिनों में उदयपुर शहर में घरों में कोई टेप वाटर नहीं था, नल नहीं थे, कुएं और बावड़िया थी। हाँ। और पिछोला झील थे। हाँ। तो हम लोग पिछोला झील में नहाने जाते थे, वहीं कपड़े धोते थे और बाल्टी भर कर के वहां से और हाथ में भर के लेके आते थे। हाँ। जी जी जी। और पानी पीने का जो है वो औरतें बावड़ियों से भर करके, वो मेवड़े बोलते थे उनको, वो लाके देती थी, उससे हमारा काम चलता था। अब आप देखिए कि पानी की कमी और कितनी मुश्किलों में जना जीवन था। जी जी जी। और सुबह 4 बजे उठ करके फतेह सागर की पाल पे घूमने जाते थे। और बड़ा एक बार शरद पूर्णिमा के दिन मैं साइकिल पे रात को 12 बजे घर से निकला और वहां बैठ करके पाल पे और मैंने एक कविता लिखी, क्यों हंसते हो चांद गगन में, क्या पाया है नीले नदन। जी जी जी। वो जो कविता है लिखा तो मुझे अच्छा लगा कि रात को सुनसान शांत उस जमाने में, देखिए जंगल था, लेकिन मैंने हिम्मत करके मैं गया और वो कविता लिखी थी। इसी तरह से मैं फिर पत्रकारिता की तरफ आगे आ गया। जी जी। और मैंने जैसा बताया आपको कि 40 रुपए में मैंने एक अखबार में, फिर उसके बाद मैं एक दूसरे अखबार में आया। मैं 15 अगस्त के संपादक चंद्रेश व्यास, उनको मैं अपना श्रद्धांजलि देता हूँ कि उन्हीं के यहाँ मैंने पत्रकारिता के कोर्स सीखे और लेखन वहाँ सीखा मैंने। जी जी। और वहाँ लिखने के बाद फिर मैं लोकवाणी का डिविजनल कॉरेस्पॉन्डेंट बन गया। जी। और उसी दौरान मैंने 58 में 59 में पहले पंचायत राज चुनाव हुए थे। जी। और उन पंचायत राज चुनाव में सरकारी मशीनरी का बहुत दुरुपयोग हुआ। जी। तो मैंने जब मुझे सूचना मिली तो मैंने अखबार में खबर छापी कि गाड़ियों का दुरुपयोग हुआ और ये हुआ। तो एक राजनीतिक दल के नेता थे, पदाधिकारी, उन्होंने मुझे डांट लगाई और कहा, बच्चा है तू, अभी 12वीं में पढ़ता है, समझता नहीं है सरकार के खिलाफ लिखने का क्या नतीजा होता है। तो मैंने उसके ऊपर ये लिखा, लोकवाणी के प्रतिनिधि को धमकी, फला महामंत्री बौखला उठा। इतनी बड़ी खबर जब छपी तो उदयपुर शहर में तहलका मच गया। अरे ये कौन लड़का है जो सरकार के खिलाफ इस तरह से आ गया लड़ने के लिए। उस जमाने में बहुत मुश्किल काम था। जी जी जी। पत्रकारिता मतलब ये है तो कि स्कूल के जमाने से आपको लिखने का शौक रहा, और जितने भी पत्रकार बंधु होते हैं उन्हें रहता शौक स्कूल के जमाने से लिखने का है। तो लक्ष्मण बोलिए साहब, आज क्योंकि प्रोग्राम शुरू हुए कुछ देर हो चुकी है और मेरे ख्याल से तमाम आपके चाहने वाले आपको देख रहे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ से एक सुविधा और भी है कि आपसे वो चाहें तो बात भी कर सकते, तो प्रज्ञा क्यों ना हमारे फोन नंबर्स बता दिए गए हैं दर्शकों को। दर्शकगण अगर आप चाहें तो, लक्ष्मण बोलिया साहब हमारे साथ हैं, आपके जाने पहचाने वरिष्ठ पत्रकार हैं और लेखक हैं, आप चाहें तो हमारे फोन नंबर्स के माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 01412704999 और दूसरा नंबर है 01412704098। आप हमें दोनों नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और लक्ष्मण जी से अगर आप बात करना चाहें तो जरूर कॉल कीजिए। लक्ष्मण जी, अभी स्कूल का जिक्र किया आपने, स्कूल का जो जमाना होता है बहुत खूबसूरत ये समय होता है, नए दोस्त बनते हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, और एक कहते हैं कि भविष्य की जो नींव होती है वो स्कूल और विद्यालय में ही डाली जाती है। स्कूल के जमाने की बात करें तो कैसा रहा आपका स्कूल का सफर और किस तरह के विद्यार्थी थे स्कूल में? देखिए मैं एक बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली और वो ऐसा विद्यार्थी नहीं था कि जो क्लास में अव्वल रहे और खूब पढ़ाई में आगे रहे, क्योंकि मैं दूसरी गतिविधियों में ज़्यादा भाग लेता था। हाँ। तो स्वाभाविक था, फिर परिवार को मुझे चलाने की जिम्मेदारी थी। तो मैं नौकरी करके पत्रकारिता में पैसा अर्जित करता था और घर को भी देता था। तो कॉलेज की पॉलिटिक्स में मैं जरूर रुचि लेता था, आंदोलन करना जैसा कि उस जमाने में भी था आज भी होता है, और अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ना,
कोई गलत काम हो रहा है तो उसका विरोध करना और फिर अखबारों में खबरें देना जी, अच्छा। तो उसकी हमारी जो है वो नेतागिरी और चमकती थी। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल, इस तरह की एक्टिविटीज में डिबेट में कविता कवि सम्मेलन होते थे तो मैं कवि सम्मेलन में भी जाता था। अच्छा। लेकिन हमारे दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप बना था हाँ। कि जो हम रोजाना मिलते थे हाँ। और रोजाना अपनी चर्चाएं होती थी हाँ। कल क्या करना है कॉलेज में, किस तरह की मस्ती करनी है हाँ। किस तरह की झगड़े करने हैं, वो सब हम करते थे। आज वो दोस्ती कायम है, मिलते हैं पुराने दोस्त। अब काफी लोग चले गए। अब देखिए मैं 80 साल हो गए मुझे, मैं 80 साल में हूँ अभी, तो मेरे अधिकांश मित्र जो है ना कुछ बचे हुए हैं, बाकी तो सब लोग चले। आप कहीं से लगते 80 साल के बहुत यंग लगते हैं। कई बड़े पत्रकारों के साथ आपका मिलना जुलना हुआ, काम करना हुआ, कोई मजेदार अनुभव? मैं बताऊं आपको, मुझे अंत्योदय योजना के लिए खास तौर से चुना गया कि अंत्योदय योजना का प्रचार प्रसार करने में आपको काम करना है हाँ। जी। तो एक बार दिल्ली से फोन आया हमारे डायरेक्टर को, केएल कोचर थे, कि भाई आप यहाँ से किसी को बुलाइए और एक टीम हम दिल्ली में तय करेंगे, वो टीम राजस्थान में जाएगी और एक हाँ। आपका अधिकारी साथ रहेगा जी। मैं दिल्ली गया और सारी व्यवस्था करके यहाँ आ गए और वो टीम आ गई, हम साथ घूमे मेवाड़ के उदयपुर के जो आदिवासी अंचल में जब गए थे और वहाँ अंत्योदय के अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी कर रहे थे, तो एक ऐसे परिवार से हमारा बोला मुका जान पहचान हुई, मिलना हुआ जी। उसी दौरान जो आदिवासी लड़की थी और एक लड़का दूसरी जाति का था, ऊंची जाति का था, और वो ड्राइवर था, तो हमने उनसे पूछा भी तुमको अंत्योदय में क्या फायदा हुआ ये करते करते, तुम ये कौन है, ये मेरी पत्नी है, यूं करते उसने बताया कि साहब ये हम साथ रहते हैं, तुम अलग क्यों रहते हो साहब, हमको गाँव से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? तो साहब मैंने इससे प्रेम विवाह किया। अच्छा। और उस जमाने में कैसे हुआ? तो साहब मैं बस का ड्राइवर था, मैं ड्राइवर चलाते जाता था, रोजाना शहर जाता था और ये मजदूरी करने के लिए साथ आते थे। अच्छा। तो हमारी जान पहचान हो गई और प्रेम हो गया, हमने शादी कर ली, अलग रहने लगे। तो जब पत्रकारों को ये पता लगा तो इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी, लव विंस। अच्छा। और वो फोटो भी मैंने इसमें दिया हुआ है, उनसे मैंने बात की इसके अंदर वो जी बिल्कुल। तो हम मैंने उनसे बात करके और उन्होंने उस पर खबर छापी, तो वो एक ऐसा अच्छा लगा मुझे कि देखिए गांव के अंदर क्या हो रहा है, वो शहर के लोग भी पढ़े देखे सुने के क्या अजीब बात है। लक्ष्मण साहब, आपने लंबे समय तक पत्रकारिता को जिया है, आपको क्या लगता है कि कितना बदलाव आ गया है आपके जमाने में शुरू हुई पत्रकारिता में और आज के समय में? बहुत बदलाव आ गया। किस तरह का? बहुत बदलाव आ गया। मैं तो कुछ माने में तो अच्छा है हाँ। और कुछ माने में मैं कुछ गिरावट भी मानता हूँ। अच्छा अच्छा। मेहनत बहुत अच्छी हो रही है हाँ। कई एंगल से खबरें लिखी जा रही है हाँ। जनता के कष्टों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जबकि उस वक्त इतना ध्यान नहीं रखा जाता था। एक दौर था जब सरकारी पत्रकारिता उस वक्त हावी थी, इतना विरोध नहीं होता था और विरोध करने की हिम्मत भी नहीं होती थी। तब के जो सियासी लोग थे वो विरोध करने वाले लोगों को अपने नजदीक बुला लेते थे और उनको किसी तरह से खुश करके और वो कर रहे थे। आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि एक खुले रूप में विरोध चल रहा है, लेकिन तब भी था और आज भी है। जी जी। कुछ लोग इस पक्ष के होते हैं, कुछ लोग उस पक्ष के होते हैं हाँ हाँ। लेकिन अच्छी मेहनत अभी हो रही है हाँ हाँ। तब की आबादी कम थी, सोर्सेज कम थे, विकास का क्षेत्र बहुत कम था, इतनी जरूरतें नहीं थी। आज इतना ज्यादा बदलाव आ गया है तो, और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था ही नहीं। जी लक्ष्मण साहब, हमने अभी अभी नंबर बताए थे और उदयपुर से हमारे पास एक कॉल है, क्यों ना पहले उनसे बात कर ली जाए। कौन बात कर रहे हैं, जरा अपना नाम बताएंगे। हेलो हेलो, उदयपुर से हमारे साथ थे एक सज्जन हैं फोन पर। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए। हाँ, मैं डॉक्टर लोकेश व्यास बोल रहा हूँ साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत सुप्रभात धरती धुरारी में। हमारे साथ आज लक्ष्मण बोलिया साहब हैं। हाँ, मेरे को बहुत देखकर उनको प्रसन्नता हो रही है जी। और जी। मैं उदयपुर में चंद्रेश जी व्यास का लड़का हूँ जो 15 अगस्त साप्ताहिक निकाला करते थे जी। और लक्ष्मण बोलिया साहब जिनको मैं काका साहब की तरह बोलता हूँ जी, वो हमारे एकदम पारिवारिक मित्र थे। मैं बहुत ही आनंदित उनको देखकर। आप सीधे बात कर सकते हैं हाँ, तो डॉक्टर लोकेश,
हाँ, नमस्कार, वही बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, मुझे अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है आपको सुनकर, आपको देख। मैं आपके पापा जी को श्रद्धांजलि देता हूँ, उन्होंने मेरे को पत्रकारिता सिखाई और आज मुझे गर्व है कि मैं इस उम्र में भी अभी उनको स्मरण करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काका साहब, मुझे बहुत खुशी है कि आप अभी तक उनको याद करते हैं, पापा जी लोगों को अभी भी याद हैं, वरना आप तो जानते हैं पापा जी ने क्या किया 15 अगस्त से, कैसी 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 उजागर किए थे राजस्थान। हाँ, वो तो संघर्ष के प्रतिमान थे एक तरह से, बहुत संघर्ष किया उन्होंने, सत्ता के खिलाफ बहुत लड़ाई लड़ी, जयनारायण व्यास के साथी रहे, और आपने काफी सहयोग दिया, आपको भी तो इतनी यादें हैं जुड़ी हुई हमारी। कोई खट्टी मीठी याद, कोई अच्छी सी मजेदार वाकया हो तो आप बता सकते हैं, लक्ष्मण जी के साथ कोई मजेदार वाकया रहा आपकी जिंदगी में? एक बार आपने मेरे को कान पकड़ के थप्पड़ मारा था, आपको शायद याद न हो। नहीं याद रखता मुझे जी, तो वो मेरे को, मैं भूल नहीं सकता, आज शायद भूल गए होंगे। जी जी, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद कॉल करने के। तो लक्ष्मण साहब, ये जो वाकया था, ऐसा क्या हुआ था कि इस तरह का कदम उठाया आपने? ऐसा था, ये बचपन की बात है, थोड़ा सा मैं जब उनके वहाँ काम करने के लिए जाता था तो ये कुछ छेड़छाड़ करते थे। अच्छा। और डिस्टर्ब करते थे बार बार, इनको मना करते थे, भाई देखो मैं काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मुझे लिखने दो, ऐसे मत करो, उछल कूद मत करो, मानते नहीं थे। अच्छा। तो फिर क्योंकि मुझे अधिकार था, मेरा पूरे परिवार में अच्छा संपर्क था, और सारा वो एक पारिवारिक व्यक्ति था जी। तो फिर जब मैं नहीं हुआ तो मैंने उनको एक थप्पड़ मारा, तुम चुप बैठ जाओ। लक्ष्मण साहब, आपका अपने जमाने में आकाशवाणी से बहुत जुड़ाव रहा है, कई तरह की वार्ताएं, कई तरह के शब्द आपने वहां पे बोले हैं जो ब्रॉडकास्ट हुए हैं, उस अनुभव के बारे में बताइए। देखिए, मैंने आकाशवाणी से, जब मैं जयपुर सन 66 में मैं जयपुर आ गया था, और जयपुर में आने के बाद यहाँ एक इंटक का अखबार था, वो मैंने शुरू किया, श्रमिक संदेश। अच्छा। उसी दौरान जब मेरा यहाँ संपर्क हुआ तो आकाशवाणी से भी मेरा संपर्क हुआ जी, जी, तो मुझे वहाँ बुलाया करते थे। तो एक तो कृषकों के लिए जो प्रोग्राम होता था उसमें, और दूसरी कुछ कहानी के लिए जी, कुछ परिचर्चाओं के लिए बुलाते थे। लेकिन वहाँ उस वक्त मैंने देखा कि अपनापन बहुत था, बहुत अपनापन था, और इतने सम्मान के साथ वो लोग बुलाते थे। जिले की चिट्ठी में भी मैं लगातार लिखता रहा नियमित रूप से जी, जी, जी। और एक बार का मुझे याद है कि मैंने पहली बार एक कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ मिलकर के शुरू किया, विकास के लिए। अच्छा, अच्छा। और जनता को जोड़ने के लिए, जनता सवाल करे और मुख्यमंत्री जवाब दे। वाह वाह। ये कार्यक्रम जो है ना, एक समन्वय के साथ आकाशवाणी के साथ और इनके साथ मिलकर के किया था, वो बहुत बहुत सफल रहा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो मुझे बहुत अच्छा आज भी याद है कि एक पॉजिटिव चीज जो है ना वो उस वक्त जी बिल्कुल, बिल्कुल। सर, दूरदर्शन से भी आपका बहुत लंबा जुड़ाव रहा है, दूरदर्शन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आपने दिए हैं, इस बारे में जरा बताएं। देखिए, आकाशवाणी के साथ साथ दूरदर्शन से भी मेरा जुड़ाव हुआ जी, और मुझे अभी बताते हुए खुशी हुई है कि इस दूरदर्शन के भवन का शिलान्यास जब हुआ था तब उस कार्यक्रम में मैं मौजूद था। अरे वाह वाह, क्या बात है। और उसके बाद जब इसका उद्घाटन हुआ तब भी मैं मौजूद था, मैंने ही रिपोर्टिंग की थी इसकी जी, जी। और जब एक साल पूरा हो गया दूरदर्शन के, तब ये एक प्राइवेट बिल्डिंग में सी स्कीम में चलता था दूरदर्शन का जी। तो मुझे ये कहा गया कि साहब, आप एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में गाँव के आसपास लोगों से मिले और उनके फीडबैक हमें दीजिए, वो क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं, किस तरह का प्रोग्राम चाहते हैं। तो मैं उस दूरदर्शन की टीम के कैमरा टीम के साथ गया, सारे कई गांवों में गया और उनको फीडबैक बना करके वो प्रोग्राम दिया जी। तो वो मुझे याद है अभी। उसके बाद एक के रत्तू थे अपने यहाँ जी, जी, तो जी, उन्होंने मुझसे काफी काम किया, काम लिया। हाँ, हाँ, एक जीवन जीते लोग सीरियल सीरीज चलाई थी जिसमें गाड़िया लोहार, कठपुतली वाले, मटके बनाने वाले, इस तरह के जो गरीब लोग थे उन लोगों के वहां जाकर के मौके पे जाके उनसे बातचीत करके उनकी आर्थिक स्थिति कैसे बनाते हैं, क्या विपणन होता है, ये उन पे वो। लक्ष्मण साहब, एक और फोन हमारे साथ है, वो फोन लाइन पे है। हेलो हेलो, ठीक है, बोलो। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं डॉक्टर महेंद्र बानाथ बोल रहा हूँ।
जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सुप्रभात धरती धौरारी में। हाँ जी बहुत अच्छा। लक्ष्मण जी हमारे सामने बैठे हैं, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। हाँ तो बोलूं मैं? जी बोलिए बोलिए। नमस्कार वानव साहब, डॉक्टर साहब। नमस्कार, लक्ष्मण बोलिया जी से मेरा परिचय अधिक नहीं तो भी 50 वर्ष से है। मैं साहित्यिक रुचियों में हर जगह मिल जाते थे, एक सौम्य सजग और सुलझे हुए रचना धर्मी की तरह वे मुस्कान बिखेरते, मिश्राचारा का निर्वाह बड़ी दिल्ली और याराना से करते थे। वाह, लक्ष्मण जी के साथ आपकी मित्रता की स्वर्ण जयंती आपको मुबारक हो। सौहार्द भरी आखिरी अपनी मुझसे बनाए हुए हैं जी। लक्ष्मण बोलिया का लेखन अच्छे उपमूलक लोगों बिल्कुल सीधे बात कर सकते हैं, सकारात्मक रूपों से सदैव जुड़ा रहा। बहुत धन्यवाद, आप मेरे बारे में अच्छी बात कर रहे हैं। वो जो कलाकारों का वो हुआ था लोक कला मंडल में आयोजित, कला मंडल में मैं जाता था, याद आ रहा है। उसकी रिपोर्ट धर्मी में उन्होंने बड़े खुले मन से लिखी थी, जिसमें सिर पर मटका लिए जल जला दी। आज में वह कलाकार बेधड़क मन सबको चकित किए बहला रहा था। वाह 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 वाह। आज में टीवी में भी वह कलाकार हौसलेबाज बनता रहा। कई कलाकारों को उठाया है और इसकी मुझे खुशी है। मुझे रामायण के उस लक्ष्मण की तरह याद आ रहे हैं। हाँ हाँ। जो जब भी मिलते हैं देश बिगाड़ुओं बदमाशों और बेईमानों के कान कतरते, वाह, नाक काटते ही हम याद होते हैं। हम यार होते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात। कुछ मिजाज बहुत बहुत दरिया दिल दोस्त की तरह। जी भानावत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने यहाँ कॉल किया। लक्ष्मण साहब, बहुत सारी बातें हम आपसे कर रहे थे अभी कुछ देर पहले। आपने बताया था कि दूरदर्शन से बहुत लंबा जुड़ाव रहा। जी दूरदर्शन के इसमें मैंने एक तो यहाँ के ये जो कृषकों के लिए कार्यक्रम होता था उसमें अक्सर मुझे बुलाया जाता था कंपेयरिंग के लिए। जी उसके बाद मैं जब पुलिस विभाग में चला गया तो एक गश्त पर कार्यक्रम शुरू किया। वो कार्यक्रम अपने आप में अलग ही था। अच्छा। रिक्रिएशन करते थे घटनाओं का। जी अच्छा। और दूरदर्शन का इतना सहयोग मिला। लंबे समय तक, वर्षों तक जो है ना, कई सालों तक वो कार्यक्रम चला। क्या सोचकर आपने उसकी कार्यक्रम की परिकल्पना की? मैंने कार्यक्रम की परिकल्पना इस तरह से की, हालांकि मैं मेरे पास जो एक बाहर के लोगों की टीम थी बहुत अच्छी थी और हम मिलकर के बात करते थे कि अपराधों को पुलिस की छवि बहुत खराब है। जालौर साहब बात करेंगे, लेकिन एक और फोन आपके चाहने वालों का आया है जालौर से। हम इस पे इस कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे जालौर से, जो कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो। हेलो जी, कौन सा बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए। जी कपिल बोल रहा हूँ सर, जालौर से। कपिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत सुप्रभात धरती हरी में। लक्ष्मण बोलिया साहब हमारे साथ हैं और सीधे आप उनसे बात कर सकते हैं। हाँ जी सर, से मैं कहना चाहता हूँ कि सर मैं भी पत्रकार बनना चाहता हूँ, तो सर मतलब कुछ टिप्स दीजिए सर। जी 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 जी, ये तो फिर आप अलग से अपन बात करेंगे इस कार्यक्रम में जो है ना, क्योंकि एक लंबा समय चाहिए और ये कार्यक्रम अलग तरह का है। चलिए तो कपिल जी, मैं आपसे बात करूंगा और मैं बताऊंगा आपको। चलिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद कॉल करने के लिए। और एक और कॉल है लक्ष्मण साहब, उनसे भी बात कर लीजिए, आपकी इजाजत हो तो। अच्छा चलिए चलिए बाद में बात करते हैं। आप बहुत अच्छा खूब वाकया बता रहे थे जो पुलिस वालों का जो कार्यक्रम था गश्त पर, मेरे ख्याल से। हाँ बताइए। उसमें ये मैं बता रहा था कि पुलिस की छवि खराब होती है जी, और पुलिस जो अच्छे काम करती है उनका भी फूल अच्छी तरह से वो नहीं होता है जी। तो गश्त के पहले मैं आपको एक छोटा सा ये वाकया बता दूं कि 1987 की बात है, यहाँ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वहां उनके पास यहाँ के पत्रकार अक्सर शिकायत करते थे कि साहब पुलिस के बारे में कुछ नहीं मिलता है, पुलिस वाले अखबारों से दूर रहते हैं, कोई समाचार नहीं बताते, कोई जानकारी नहीं देते। तो उन्होंने कहा भाई किसी अच्छे अधिकारी को लगाओ, तो मुझे चुना गया। अच्छा। तो हमारे एक सत्यनारायण सिंह करके जनसंपर्क विभाग के निदेशक थे, IAS अधिकारी जी जी जी, वो मुझसे खूब काम लेते थे और मैं खूब काम करता भी था। उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि आपको वहां जाना, मैंने कहा नहीं जाऊंगा मैं, मुझे पुलिस में डर लगता है, मैं पुलिस से किसी से जानकारी नहीं है मेरी और मैं नहीं जाऊंगा। और फिर उनको मैंने बताया कि मेरे यहाँ घर पे
टीन शेड लगा दिया था, मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दी थी, मैं पुलिस वालों को फेस ही नहीं कर पाया। एक वकील हैं और मेरे मित्र भी हैं सुरेंद्र छाजेड़, उनको बुला करके मैंने कहा भाई आप बात करो, तो उन्होंने कहा तब तक मैं पुलिस में जा चुका था। लक्ष्मण साहब, आपके एक दर्शक जो आपके कार्यक्रम देखते थे किसी जमाने में, उनका फोन आया, पहले उनसे बात करते हैं फिर इस बारे में बात करेंगे। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो जी, किसी कारण से संपर्क नहीं हो पा रहा है, बताइए जी। तो मैं जो है, मुझे उन्होंने कहा कि ऐसा करो, दो महीने तक मैं टालता रहा, ऐसा करो अपन गोविंद देव जी दर्शन करने चलते। अच्छा, तो कार में बिठा के गोविंद देव जी दर्शन करने के बहाने सीधा पुलिस विभाग में जाकर के और क्राइम ब्रांच में मुझे कहा कि अपन आते हैं एक मिनट चलो ऊपर, और एडिशनल DG क्राइम थे VK थानवी, उनके पास बैठा दिया और कहा ये आपका अपराधी लो। अच्छा। अब आप जानो, आपका काम जानो, मैं चलता हूँ। ये कहकर के मुझे सौंप के चले गए। मैं देखता रह गया ये क्या हुआ। हाँ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपको बहुत अच्छा रखेंगे, सारी सुविधाएं देंगे और आप हमारे यहाँ काम। जी। और उस दिन के बाद मैं चाहता था कि मैं बाहर जाऊं तो मुझे जाने नहीं दिया गया। 13 DG रहे जी। और किसी भी DG ने मुझे बाहर नहीं जाने दिया। अच्छा, इतना प्रेम पनप गया वो जी। वो पत्रकारों से भी इतना ज्यादा संपर्क हो गया। तो फिर गश्त की बात आ रही थी जी। तो उसी दौरान जो है पुलिस की छवि को सुधारने और जनता को पुलिस के नजदीक लाने के लिए मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया था। जी। और उसमें काफी मेहनत हुई, काफी वहाँ की जो निदेशक थे उन्होंने भी खूब किया। हम लोग कोई बड़ी घटना होती उसको रिक्रिएट करते और पुलिस वालों को ही उसमें पार्टिसिपेट करवाते। जो रोल होता है वो पुलिस का रोल पुलिस वाले ही करते, छांट देते थे कि कौन ठीक है। मैं खुद जाता था मौके पर। इस तरह से हम हर महीने हर सप्ताह राजस्थान भर में जाते, कोई बड़ा कांड हुआ और हम जाकर के उसका रिक्रिएशन करके और कैसे पुलिस ने उनको पकड़ा ये सारा दिखाते थे उसको। तो जब इसकी एक कैसेट ऑल इंडिया DG कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, जी। हमारे अमिताभ गुप्ता DG थे वो लेके गए और उन्होंने बताया कि हम राजस्थान में ये कर रहे हैं। अब एक सुरेंद्र जी का फोन आ गया है, आपसे बात करना चाहेंगे। हेलो हेलो, स्वागत आपका सुप्रभात धरती डोहरी में। लक्ष्मण बोलिया साहब हमारे साथ हैं। हां साहब जी, बात कर सकते हैं आप सीधे जी। हां जी, हाँ सुरेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार सुरेंद्र जी, जयपुर से बोल रहा हूँ, एडवोकेट। हाँ, पहचान गए साहब। मैं ये कह रहा था, गश्त पर जो प्रोग्राम चलाया था जी आपने, पुलिस की छवि को, जी पुलिस की छवि को आपने वो सुधारने में बहुत अनूठा प्रयास किया था, और सुधारने के साथ साथ जो पुलिस की गतिविधियां थी उसके बारे में दूर दराज से जाकर के आपने जो निर्माण और इसका पुलिस में जो कुरीतियां थी उसको भी उजागर करने में बहुत योगदान दिया। आप है पुलिस डिपार्टमेंट में ही, शायद मेरे दादा ख्याल है कि डिप्टी डायरेक्टर के पद पर थे और उसके बाद आप जैसे 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 ज्वाइंट डायरेक्टर तक होते गए, उसी तरह आपके लिए ही पुलिस में वो पद है भी प्रमोट होता गया और संयुक्त निदेशक पद तक आप है वो रहे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मुझे याद किया जी। बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण साहब, तारीफों के पुल बन रहे हैं। बात यह है कि आपने अपनी पत्नी की सेवा करने में बहुत ही जबरदस्त है वो अपना जब आपके किसी काम से इंसान खुश हो जाता है तो तारीफों के शब्द रुक नहीं पाते चलते जाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने यहाँ फोन किया। और लक्ष्मण जी, पुलिस विभाग में आपने अपनी सेवाएं दी हैं और पुलिस अधिकारियों का कितना मुश्किल काम होता है, जैसे अभी त्योहारों का मौसम है, होली आने को है, हम सब यहाँ त्योहार मनाते हैं और पुलिस के जो अधिकारी होते हैं या पुलिस के लोग होते हैं जो वहाँ काम करते हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं कि कभी कोई परेशानी ना हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। त्योहार उनके नहीं मन पाते क्योंकि उनको हमारे त्योहार अच्छे करने होते हैं। नहीं, उनको हमारे त्योहार के दौरान हमारी सुरक्षा करनी होती है। जी। और वो परिवार से दूर, बच्चों से दूर और उस त्योहार से दूर रह करके हमारे लिए
शहर में घूमते हैं जी, जी, तो जी, ये एक बहुत ऐसी स्थिति है पुलिस की, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत बड़ा समर्पण है, ईमानदारी का काम है और वो करते हैं अच्छी तरह से, फिर लेकिन दूसरे दिन मनाते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात, अच्छी बात मैंने ये देखी है कि जब पुलिस के लोग सारे इकट्ठे होकर के पुलिस लाइन में जब त्योहार मनाते हैं तो वहाँ न कोई बड़ा है और न कोई छोटा अफसर होता है, न कोई कांस्टेबल है, न एसपी है, न डीआईजी है, सब बराबर है और सब मिलकर के बहुत मतलब प्रेम से जो है ना वो करते हैं, गुलाल से खेलते हैं और कार्यक्रम रखते हैं, बहुत अच्छा आपस में वो रहता है। आपका कितने साल का कार्यकाल रहा पुलिस विभाग में? मैं 13 साल तक। अच्छा। जी 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 लक्ष्मण जी, त्योहारों की बात चल रही है और त्योहारों का मजा ज्यादातर आता है बचपन में। बचपन में ना कोई बंदिश होती है, ना कोई रोक टोक होती है, हम बिल्कुल अपने मन से जो करना चाहे वो करते हैं। और अगर होली की ही अगर बात करें तो होली में जो पहले जो हुआ करता था वो मजा हुआ करता था, वो अपनापन हुआ करता था। किस तरह बचपन में आपकी होली हुआ करती थी? बचपन में होली को देखें तो तब एक होली जलती थी जी, और सारे लोग परिवार के लोग आसपास के कोई इस अभी तो डरते हैं, कुछ रंग से डरते हैं, बिल्कुल शामिल होने से डरते हैं, कतराते हैं कि चलो दूर, लेकिन वहाँ कोई बच्चा परिवार का कोई ऐसा नहीं था जो उसमें शामिल नहीं होता था। और एक परंपरा थी कि जिनके घर में बच्चा बच्चे का जन्म होता जी 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 उसकी ढूंढ होती जी, तो उसको लेकर के चारों चक्कर लगाते थे और फिर जलेबी और प्रसाद कचौरी मिठाई सब बांटते थे, सबको देते थे और इतना अपने अपनापन था, मिठाइयों का आदान प्रदान होता था जी, जी, जी। और हर घर में अपने जो जवाई होता था जी, दामाद का दामाद को तो उस दिन खाना खाने ससुराल में जाना ही जाना है। अच्छा। और वो क्या मिष्ठान बनते थे वो भी फिक्स थे दिवाली होली पे, और दामाद की जो रंगाई पुताई होती थी होली वाले। अच्छा, आपने कई शब्दों की भी रचना की, इसलिए शुरुआत में हमने कहा था कि एक वर्सटाइल पर्सनालिटी से हमारी मुलाकात हो रही है, कविताएं लिखने का भी आपको शौक है, कुछ खजाना तो हमारे सामने रखा है, अगर होली पे कुछ लिखा है आपने तो सुना दिए। होली पे नहीं, मैंने बसंत पे लिखा है। अरे वाह वाह, हाँ बसंत अभी बस गुजरा ही है, फूलों की महक छोड़ के गया है बसंत जी। मैंने लिखा है आओ बसंत, आओ बसंत तन मन में छाओ बसंत, आओ बसंत तन मन में छाओ बसंत, कण कण में फूलों कलियों में, कण कण में फूलों कलियों में, खेतों खलिहानों में, कृषकाय चौपायों में जी, कृषकाय चौपायों में ठंड ठिठुरते, ठंड ठिठुरते प्यासे रहते, भीख मांगते अध भूखे, रुग्णालय में जो सिसकते, रुग्णालय में जो सिसकते, वृद्धाश्रम के तंग कोनों में, वृद्धाश्रम के तंग कोनों में अंत समय की राह देखते, क्योंकि मतलब उनको अब समय जी, 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 जी। अंत समय की राह देखते, सूरज में अंधियारा सहते, वाह दिन में भी अंधेरे कोठरी में पड़े हुए हैं जी, सूरज में अंधियारा सहते, जिनके पास नहीं है कोई, घोर अभाव का जीवन जीते जी, हर्षा दो तन मन उनके। वाह लक्ष्मण साहब, अभी अभी जैसे फूलों की महक को छोड़ता हुआ बसंत गया है और आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई, इस बीच फोन कॉल हमारे साथ है, वो बात करना चाहेंगे। हेलो हेलो, कौन साहब जुड़े हैं हमारे साथ, अपना नाम बताइए। लक्ष्मण बोलिया साहब हमारे साथ हैं, आप सीधे बात कर सकते हैं उनसे। हेलो, मैं जी, मैं सुखनारायण सिंह बोल रही है, स्वागत आपका बहुत बहुत। निदेशक सूचना जनसंपर्क जी, जी जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुप्रभात धरती धरारी में। लक्ष्मण बोलिया साहब सामने बैठे हैं और सीधे आप बात कर सकते हैं लक्ष्मण साहब से। नमस्कार, नमस्कार साहब, नमस्कार। मैंने अभी आपकी चर्चा की, आपने मेरे साथ बहुत जाती की थी। आपने मुझे चुपचाप गाड़ी में बिठा करके और पुलिस विभाग को सौंप दिया कि आपका अपराधी लो। आप हमारे बहुत प्रिय और उत्कृष्ट पत्रकार और जनसंपर्क कर्मी थे, अच्छे विचारक थे, अच्छा लिखते थे, जो काम बताते थे वो पूरा करते थे और निष्कपट और निष्पक्ष रूप से खबरें लाके हमें प्रस्तुत करते थे और जो कुछ हम कहते थे उसको बहुत बढ़िया लिखते थे। आप तो हमारे डिपार्टमेंट के एक तरह से जेम थे और अच्छा क्या बात है? काम किया आपने, बहुत अच्छा काम किया, बहुत बहुत
मुबारक हो आपको, अब भी करते रहिए, धन्यवाद, लिखते रहिए, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। धन्यवाद सिंह साहब, आपने मुझे ज्यादा तारीफ कर दी, इतना इतना नहीं था मैं, आप बढ़ा रहे हैं मुझे। बहुत अच्छा है आपका, सबसे अच्छे अफसरों में गिनती थी आपकी, इसीलिए मैंने मुझे आपने पुलिस में धकेल दिया। और मैं तो आपसे खूब काम लेता था। सिंह साहब आपने यहाँ कॉल किया, यहाँ पर फोन पे बात की लक्ष्मण जी से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण जी आप जनसंपर्क विभाग में भी रहे हैं, वहां पर भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं, और कहते हैं एक जनसंपर्क अधिकारी होता है उसका सीधा संपर्क जनता से होता है, एक अच्छे जनसंपर्क अधिकारी के लिए किन किन गुणों का होना चाहिए? देखिए सबसे जरूरी जनसंपर्क अधिकारी के लिए जो बात है जी, वो जनता और सरकार के बीच में एक समन्वय का कड़ी का काम करता है। तो सरकार की क्या उपलब्धियां हैं वो तो सरकार बढ़ चढ़ करके बताती है, लेकिन सरकार की क्या कमियां हैं उसकी तरफ उनका कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। जी, 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 जी। तो हम पहले इस तरह की एक परंपरा थी कि वो एक लिख करके देते थे डायरेक्टर को, पीआरओ, जैसा यहाँ इस तरह की समस्या है, या पानी की समस्या है, या बिजली की समस्या है, या ये इस तरह का लोगों में असंतोष है, और वो फिर सरकार को कन्वे करते थे। लेकिन धीरे 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 ये कम हो गया जी। और अब जो है ना सीधा केवल सरकार के गुणगान करने का काम ही ज्यादातर रह गया, या फिर पत्रकारों को सुविधा देना और सरकार की योजनाओं की तारीफ करना। जी जी। जो एक बीच का जो काम था, दूसरा जो काम था, वो कम हो गया। हम प्रदर्शनियां लगाते हैं, हम फिल्में दिखाते हैं, उस जमाने में फिल्में दिखाते थे, अब तो फिल्मों का कोई सवाल ही नहीं है। प्रदर्शनियां अभी भी लगती हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्तर की लगती है। जी। तो मैं प्रदर्शनी अधिकारी भी रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने बहुत प्रदर्शनियां लगाई हैं। हाँ। और हल्दीघाटी की क्वीन सेंटेनरी ईयर का जो एक समारोह हुआ था राष्ट्रीय स्तर पर, और उसमें प्रधानमंत्री खुद आई थी। हाँ। तो मैं वहां गया और मुझे एक प्रशंसा पत्र अलग से दिया था, जो प्रदर्शनियों के उनको सेट करने में और उनके कैप्शंस लिखने में उनको तैयार करने में, तो वो भी मुझे काफी अच्छा अनुभव रहा है, मुझे अक्सर जाना पड़ता है। लक्ष्मण साहब आपने प्रदर्शनियां लगाई हैं और यहाँ टेबल पे कुछ प्रदर्शित हो रहा है, तो पहले उसको देख लिया जाए। ये बहुत देर से एक झोपड़ी, कई हैं, पांच झोपड़ी हमारे पास हैं, जरा इस झोपड़ी के बारे में बताइए, क्योंकि हम तो जान चुके, दर्शकों को दिखा दें, आप बताएं इसके बारे में। ये स्पैरो जो चिड़िया है, जी उसको, उसके प्रिजर्वेशन के लिए मैंने कल्पना की थी। ये घोंसला है चिड़िया का, घोंसला है, और इसमें चिड़िया अंदर जाती है, घोंसला बनाती है, अंडे देती है, और बच्चे जब अंदर सुरक्षित होकर के बड़े हो जाते हैं तब उनको बाहर निकाल करके उड़ा देती है। वाह। तो इसमें इसके पीछे जो मेरा थीम था वो ये है कि चिड़िया जो है वो अपने बच्चों को सुरक्षित बड़े कर सके। जी। हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा है, चिड़िया जो है ना ये अंडों को पक्षी मार देते हैं, पकड़ लेते हैं, नीचे गिर जाते हैं अंडे, वो बेचारी अब बहुत समझ ही नहीं पाती है कि मैंने अंडा कहाँ दिया है, और वो बच्चा गिर जाता है। तो इसके लिए मैंने ये काम किया और मैं ये कई लोगों को बांट रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत नेक काम है। हाँ जी, काम है। और जब वो छोटे छोटे से बच्चे जब वो इस दुनिया में आते हैं, छोटी सी चोंच खोलते हैं और उनकी माँ उनके मुंह में चुग्गा डालती है, वो कितना खूबसूरत सा एक दृश्य होता है। जी, मुझे इसलिए प्रेरणा और भी मिली कि जब मैंने उनके लिए दाने का और पानी का इंतजाम किया, और कभी अगर उसमें नहीं होता, भूल जाते, तो चिड़िया आके ची 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 करती जब मैं बाहर आता था, तब मुझे पता लगता था अरे ये तो मांग रही है, तो जल्द से जल्द जाकर के उनके लिए दाना डालते थे। तब से मुझे प्रेरणा हुई कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत बहुत नेक काम कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। और महिला सशक्तिकरण के लिए भी आपने बहुत कुछ किया है, बालिकाओं पर आपने अपनी कविताएं भी लिखी हैं, और भी बहुत सारे काम आप करते हैं बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए, तो उन चंद शब्दों को हम जरूर सुनना चाहेंगे जिनको आपने कविताओं में पिरोया है। अच्छा, मैंने कविता जो है महिला बेटियों के लिए लिखी है। जी, सुनाइए सुनाइए। होते नहीं पंख, होते नहीं पंख मगर उड़ाने की उड़ान भरने की, सॉरी, होते नहीं पंख मगर हौसलों उड़ाने हौसलों की भर लेती है बेटियां। वाह वाह। होते नहीं पंख मगर उड़ाने हौसलों की भर लेती है बेटियां, हो या नहीं ससुराल या मायका, फिर भी अपना घर बसा लेती है बेटियां। वाह वाह, बहुत खूब। नरम अंदर से बाहर से मगर
होती है फौलाद बेटियां। वाह, बनाकर खुदा ने, जी जी, बनाकर खुदा ने खास मकसद से हर परिवार को इनायत की है नायाब तोहफा बेटियां। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। बोलिया साहब, आपने तो जिस तरह से अभी कविता तो बहुत सुंदर आपने रची है, तमाम कविताएं रची हैं, लेकिन ये जो जैसे अभी पंछियों का आपने जिक्र किया, इसी तरह से जुड़े बहुत नेक काम आप करते आ रहे हैं। आपने देहदान का संकल्प लिया है, आप नेत्रदान करवाते हैं, इन दो बड़े कार्यों के आप प्रतिनिधि हैं, इस बारे में कुछ बताइए, कैसे विचार आया ये मन में? देखिए, मैं जब 50 साल पूरे हो गए मेरे शादी के, तो बच्चों ने कहा कि हम बहुत बड़ा खाना करेंगे और लोगों को बुलाएंगे, करीब 1000 लोगों का। अच्छा। मैंने कहा भाई इतना पैसा इस काम के लिए तो नहीं खर्च करूंगा। मेरी जो, मैं छोटा सा बात बताऊं कि मेरी शादी जो हुई थी, एक प्रसंग है जी, मेरे जी, विचारों का बता रहा हूँ बिल्कुल, कि मैंने प्रेम विवाह किया था जी। अच्छा। उस जमाने में। वाह वाह, 65 में साल था वो, कौन सा साल? 65 में मैंने प्रेम विवाह किया था जी, जी। और मेरे परिवार के लोग कतई खुश नहीं थे, क्योंकि हम गरीबी में पड़े हुए थे और मैं एमए पढ़ चुका था, पत्रकारिता कर रहा था, अच्छी खासी हैसियत हो गई थी, लोग खूब जानते थे, बड़े बड़े नेता आते थे, बड़े बड़े अधिकारी मिलते थे, तो मेरे बहुत पैसे वालों लोगों की हैं लड़कियों के रिश्ते। हम ये प्रेम बनाए रखेंगे आपके संग, पूछेंगे इस प्रेम के बारे में। एक कॉल और आ गया है। अच्छा। उस उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए। हमारे साथ लक्ष्मण बोलिया साहब हैं, आप सीधे बात कर पाएंगे उनसे। मैं सर के एस चौधरी बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका चौधरी साहब। हाँ नमस्कार चौधरी साहब। बोलिए चौधरी साहब, बोलिए, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ नमस्कार। हाँ सर, मैं के एस चौधरी बोल रहा हूँ जयपुर से। हाँ हाँ सुन लिया साहब, समझ गया मैं। मैं आपका प्रोग्राम आ रहा था, पुलिस की छवि के बारे में भी एक सवाल कर रहा था मैं आपसे। अच्छा। आमतौर पे ऐसा कहा जाता है पुलिस की छवि जो है ठीक नहीं है, ऐसा एक आम धारणा लोगों में रहती है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रहा था। मैं भी एक मामले में जुड़ा हुआ था यहाँ पे ज्योति नगर थाने में जी, तो मैंने ये देखा कि जैसा आम इमेज है ऐसा नहीं है, पुलिस की छवि जो है बहुत ही अच्छी छवि है, बहुत अच्छे यहाँ के अफसर और पुलिसकर्मी होते हैं। इस वाक्य को मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं डीसीपी दक्षिण से मिला था, तो उनको मैंने जिक्र किया था। मैंने कहा साहब थाने का स्टाफ ऐसा है कि एक मामले में मेरे से चाय भी उन्होंने नहीं पी। अच्छा। तो आप हैरान रहेंगे, उन्होंने मेरी 20-25 मिनट बात सुनी और मुझे आश्वासन भी दिया, रिलीफ भी दिया। तो मैं जब जाने लगा, मुझे वापस बुला के कहा कि आपने चाय पी या नहीं पी। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुझे बिठा के और चाय पिला के रवाना किया। वाह वाह, नहीं नहीं, बहुत अच्छा, एक पॉजिटिव बदलाव आ रहा है पुलिस में, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, वो तो मैंने कहा रूखा पर नहीं है। हाँ, अभी प्रोग्राम आपका आ रहा है तो इसमें मैं जिन्हें शेयर करना चाहता हूँ, आपकी कुल मिला के आपकी धारणा और आपका क्या अनुभव। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद चौधरी साहब, आपने कॉल किया और बहुत अच्छा संस्मरण हमें सुनाया है। तो बात चल रही थी आप नेत्रदान और देहदान के संकल्प के बारे में, प्रेम विवाह के बारे में। तो मैं जो है दहेज के खिलाफ था और मुझे काफी बड़ा कि साहब हम ये कर देंगे, हम कर देंगे, हम उनको नौकरी में रख लेंगे, वहाँ घर जमाई बना लेंगे। मैंने कहा कतई नहीं, मैं किसी पैसे वाले के घर शादी नहीं करूँगा। और एक गरीब लड़की को मैंने पसंद किया जी। और मैंने कहा परिवार के इच्छा के खिलाफ भी फिर सबने शादी की, लेकिन मैं बहुत खुश रहा। यही मेरी विचारधारा आगे पूरे जीवन तक चलती रही। और 50वीं सालगिरह का जब मौका आया तो मैंने कहा नहीं, मैंने एक मेडिकल चेकअप कैंप लगाया जी। 1000 लोगों की जांच हुई, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर आए उसमें, कैंसर अस्पताल से पूरी यूनिट आई और कैंसर के बहुत सारे पेशेंट डिटेक्ट किया। 1500 यूनिट ब्लड डोनेशन हुआ और 15 देहदान हुए, जिसमें सबसे पहले मैंने देहदान किया। अच्छा अच्छा। और 70 नेत्रदान हुए जी जी जी। और सब लोगों की जो है जांच हुई, सबको हमने नाश्ता कराया अच्छी तरह से, बहुत खुशी हुई और काफी लोग आए भी सही उसमें। तो इससे लेकर फिर मैं नेत्रदान के कार्यक्रम से जुड़ गया जी। जब नेक काम हम करते हैं तो उसकी खुशी अंदर से होती है। और वैसे भी जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम होता है ना, वो जब तक है दुनिया में वो युवा ही बना रहता है। आप देखिए, आप लगते नहीं कहीं से कि आप कहीं उम्र दराज हैं, आपके जीवन में प्रेम है, इसलिए वो प्रेम झलकता है आपके चेहरे से।
नहीं तो ये प्रेम के बिना तो जीवन अधूरा है। जी 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 जी। और शायद यही वो कारण रहा कि जो जोड़े प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनका हाँ। आप सहयोग भी करते हैं, उनकी आगे से आगे मदद भी करते हैं, इस बारे में भी जरा बताएं। हाँ, मेरे ख्याल से किसी कारण से इसके पहले मैं आपको चार लाइनें सुना दूं। अरे बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मैंने तब लिखी है जब मेरी शादी हुई थी। कहता है कोई मुझे आंखों की बीमारी है। अच्छा। कहता है कोई मुझे आंखों की बीमारी है और बताता कोई मुझे नींद की खुमारी है। अच्छा, जी। कहता है कोई मुझे आंखों की बीमारी है और बताता कोई मुझे नींद की खुमारी है। वाह। गर तुम भी यही समझती हो हाँ। तुम भी यही समझती हो हाँ। तो सच बताऊं हाँ। इन आंखों में आई याद तुम्हारी। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बहुत खूब बहुत खूब। देखिए अब बहुत रंगीन माहौल है, मतलब होली का त्योहार आने को है इसलिए रंगीन माहौल है। ऐसे माहौल में आपने जो प्रेम का ये बीज बोया है ना, ये प्रेम का बीज बना रहे सबके दिलों में, यही उम्मीद करते हैं हम लोग। जी जी। और इसी के साथ एक फोन और आ गया है, उनसे बात कर ले पहले। हेलो। हेलो जी, कौन सा फरमा रहे हैं, आप नाम बताएं अपना। देवेंद्र सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात धरती धुरारी में, और लक्ष्मण बोलिया साहब से आप सीधे बात कर सकते हैं। सिंह साहब जी, आपके साथ तो मैंने खूब काम किया और आपने बहुत सहयोग किया पुलिस के लिए, जितना काम आपने किया बुलाया नहीं जा सकता। ये सब आपकी मेहनत का फल था, आपने आइडियाज क्रिएट किए और उन पे अच्छी तरह से काम करवाया। नहीं नहीं, ये तो आपके बड़प्पन है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। आप स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के भी डायरेक्टर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और आरपीएससी के चेयरमैन भी रहे हैं। हाँ, और सबसे खास बात ये कि इनकी आवाज बड़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत आवाज है। हाँ। आपकी आवाज सचमुच में रेडियो और दूरदर्शन के लिए है। जी कही, और क्या कहना चाहेंगे। मैं कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा। ऑल इंडिया रेडियो जयपुर के लिए, आप कभी दूरदर्शन के भी लिए करें। जी 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 जी, कहिए कहिए, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, बताइए। मेरे ख्याल से तबीयत थोड़ी सी नासाज है, और जी जी जी, चलिए कोई बात नहीं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो लक्ष्मण बोलिया साहब, हमारी बात चल रही थी, आपने अभी भी एक बहुत प्रेम से भरी हुई कविता सुनाई थी। जी, तो इसके बाद हम ये पूछ रहे थे कि जिन जोड़ियों को आप टूटने से बचाते हैं, किसी भी कारण से वैवाहिक संबंध में अगर कोई बात हो गई है ऐसी और नहीं बन पा रही है, तो उन जोड़ियों को भी आपने टूटने से बचाया। मुझे बहुत बचपन का नहीं कह सकता, लेकिन मैं समझ लीजिए 30-40 साल की उम्र से ही मुझे इस काम को शुरुआत करने का मौका मिला। अच्छा। और कई हमारे नज़दीकी रिश्तेदारों में पारिवारिक संकट हो गया, दोनों में पति पत्नी में मनमुटाव हो गया, तो मैं उनको घर बुला के खाना खिला करके उनके साथ बैठा करके उनका वो वापस मेल मिलाप करा देता था। जी। अब मेरे रिटायरमेंट के बाद हाँ। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि जिनका तलाक चल रहा है। हाँ। मैं खुद जाता हूँ उनके पास हाँ। कि क्या हाँ। प्रॉब्लम है, दोनों हाँ। में क्या प्रॉब्लम, बताओ हाँ। बैठो हाँ। और उनसे सारी बात सुन करके अपना अपने तरीके से कैसे बैठा सकता है वो मैं लगाता हाँ। एक एक महीना लगा मुझे हाँ। एक परिवार को तो मैंने तलाक को 38 लाख रुपए दिला करके कोर्ट से केस विड्रॉ कराया और 38 लाख रुपए उनको लड़की को मिल गए और वो अपना आराम से जीवन जी रही है। ऐसे और भी लोग हैं जिनकी पारिवारिक समस्याएं होती हैं उनको मैं। लक्ष्मण बोलिए साहब, आपने जो बताए अपने संस्मरण वो बहुत बहुत मजा आ रहा है सुनने में, लेकिन अब थोड़ा वक्त का तकाजा है। जी हाँ, बहुत का। तो शुभकामनाएं आपको आगे के जो भी आपकी योजनाएं हैं उसमें वो योजनाएं फलीभूत हों और आप आगे बढ़ें और भी कुछ नई नई चीजों से हमें मिलवाएं। फिलहाल तो ये घोंसले बहुत प्यारे लगे, तो इन सारे नेक काम के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सुप्रभात धरती और पधारने के लिए भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने मुझे इतना अच्छा एक्सपोजर दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। जी जी जी। तो सुप्रभात धरती धुरारी के अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन चलने से पहले एक बहुत मीठा सा लोक भजन हम आपको सुनवाएंगे और उसके बाद ले चलेंगे न्यूज रूम में। इजाजत दीजिए प्रणय भारद्वाज को, प्रज्ञा को, हम फिर मिलेंगे।